बिग बॉस 18 के घर में मिड विकेट में ही हो गया एक और एलिमिनेशन। अविनाश मिश्रा को बिग बॉस ने खुद कर दिया है घर से बेघर। तो आखिर वो कौन सा रीजन था जिसकी वजह से अविनाश मिश्रा को घर से बाहर निकाल दिया गया। जी हाँ, प्रोमो तो कुछ ऐसा ही निकल कर सामने आ रहा है जिसमें अविनाश मिश्रा को घर से बेघर कर दिया गया है, और ये काम किसी और नहीं बल्कि बिग बॉस ने खुद किया है, और वो घर से बाहर जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, क्या है पूरी अपडेट, चलिए आपको बता देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी स्पाई। दोस्तों, ये पूरी कहानी बताने से पहले आप सभी को बता देता हूं कि जैसा कि आप सबने देखा ही होगा, आप सबको पता होगा कि जो कुछ दिन पहले, अभी एक दो दिन पहले टास्क हुआ था जो टाइम का गॉड वाला, तो उसमें हमारे आरफिन खान वो जीत गए थे, यानी उसे टाइम का गॉड बना दिया गया था और उन्हें घर के सारे डिसीजन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को लेने के लिए चुन लिया गया था, और वो डिसीजन को चेंज भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से कहे तो जो घर में, जो इस टाइम कह सकते हैं कि जो घर में सारे रूल बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं आरफिन खान ही ले रहे हैं। तो शुरुआत इस बात की यहाँ से होती है, जब आरफिन खान टाइम का गॉड बन जाते हैं तो वो सभी जो सदस्य होते हैं उनकी ड्यूटी सौंप देते हैं कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ठीक भी है। भाई साहब, जब आरफिन खान को ये पावर मिला है कि आप किसी को से अपने रूल्स चेंज करवा सकते हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के और प्रेजेंट के भी, तो कहीं ना कहीं उन सबको रूल्स में दे देते हैं, और मतलब एक एक रूल बना देते हैं कि आप ये करिए ये करिए। तो ठीक है, जैसे कि जो विवियन है उनको बाथरूम का कंट्रोल मिल जाता है कि बाथरूम में कौन कब जाएगा, मतलब नहाने के लिए कौन कब नहाएगा, उसके लिए आपको विवियन से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलो ठीक है। और उसके बाद रजत दलाल को भी एक ड्यूटी दे जाती है, और सब घर के अलग अलग सदस्य को अलग अलग ड्यूटी दे दी जाती है। लेकिन दोस्तों, जो हमारा ये अविनाश मिश्रा है, ये भाई साहब अपने आप को समझता क्या है, जब आरफिन खान इसको ड्यूटी दे रहे होते हैं तो ये मना कर देते हैं, कहते हैं कि मैं आपकी बात क्यों मानूं, ना तो आप इस घर के कैप्टन हैं और ना ही आपको इन रूल बनाने के लिए अपॉइंट किया गया है। मैं मानता हूँ कि बिग बॉस ने आपको टाइम का गॉड बना दिया है, आप पास्ट के प्रेजेंट के रूल चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ऑर्डर दोगे और हमसे काम करवाओगे। तो अविनाश मिश्रा कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डिसएग्री कर रहा होता है, लेकिन जो बाकी कंटेस्टेंट होते हैं वो ना मान जाते हैं, क्योंकि आरफिन खान सही है, जब उन्हें पावर मिले तो उसका यूज़ कर रहे हैं, सभी घर वाले मान जाते हैं एक्सेप्ट अविनाश मिश्रा। तो पहली तो उसकी झगड़ा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हालांकि जो उनकी अविनाश मिश्रा की चुगली गैंग है, जैसे कि आपको पता है चुगली गैंग भी कहते हैं उनको, चुगली गैंग में अविनाश मिश्रा और एली कौशिक और जो एक ईशा, हाँ ये तीनों की चुगली ग्रुप है। ये तीनों आपने कई बार देखा होगा, ये दोनों ऊपर बैठकर सभी घर वालों में जो चल रहा है उनकी कभी मिमिक्री करते हैं, चुगली करते हैं। तो जब अविनाश मिश्रा अपनी गैंग में जाता है तो ईशा और जो एली कौशिक है दोनों मिलकर समझाते हैं कि यहाँ पर तू गलत है, देख तू जो तेरी आवाज़ बात करने की टोन थी आरफिन के साथ वो थोड़ी गलत है, सुधार ले, और उन्हें ये काम करने के लिए सभी घर वालों ने अपॉइंट किया है तो इसके लायक है, तो तुम्हें उनकी बात माननी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं वो समझा देते हैं, और यहाँ पर अविनाश मिश्रा जाकर आरफिन की बात मान ही लेता है, क्योंकि उसे मानना ही पड़ेगा भाई, उसके हाथ में रूल है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब असली बवाल तो तब स्टार्ट होता है जब विवियन को बाथरूम का कंट्रोल मिल जाता है, और विवियन कहता है कि किस किस को नहाना है बता दो, हाथ खड़ा करो, मैं मतलब कि एक लाइन से बता दूंगा कि किस किस को कब जाके नहाएगा। तो सब अपना बात बता देते हैं, लेकिन वहाँ पर सब कंटेस्टेंट नहीं होते, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सब एक दो कंटेस्टेंट नहा के आ जाते हैं बाथरूम से। तो अब बारी आती है चाहत पांडे की। ठीक है, मतलब चाहत पांडे किसी कोई पूछता ही नहीं है, चाहत पांडे वहाँ से होते ही, तो चाहत पांडे वहाँ पे बाद में आती है। तो भाई साहब, ये विवियन, पता नहीं विवियन की चाहत पांडे से क्या पर्सनली दुश्मनी है, वो चाहत पांडे के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, और पता नहीं उसकी क्या दुश्मनी है। अब देखो, जब होता कुछ ऐसा है कि जब जो चाहत पांडे विवियन से पूछते हैं कि विवियन मुझे नहारा, वो हाथ भी आ करती है, तो विवियन कहता है कि अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, मतलब पहले तो कुछ नहीं बोलता, जब चाहत बोल देती है विवियन सुनिए सुनिए सुनिए, तो विवियन उसे इग्नोर करके चलता जाता है आगे आगे, मतलब वहाँ से भाग रहा होता है। तो चाहत उसके पीछे पीछे जाकर कहती है
कहते हैं कि आपको सुनाई नहीं दे रहा, मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे नहाना है नहाना है। तो भाई साहब विवियन कहता है कि मैंने कोई ठेका नहीं लिया आपको सुनने का, बताओ ये कोई बात होती है? भाई साहब एक बार चाहत कह रही है कि मेरी सुन लो, मुझे नहाना है, ठीक है, अगर आप उसे मना कर दो तो बाद में नहा लेगी, लेकिन आप उसे एटलीस्ट अपना सुनकर उसका फैसला तो बता दो। लेकिन विवियन भाई वो तो है ही अलग, वो अपना इस बात को लेकर बैठा होता है कि मैं नहाऊंगा। तो चलो ठीक है, चाहत कहती ठीक है आप जाइए, आप जाइए कोई दिक्कत नहीं। तो अब जैसे ही विवियन बाथरूम में चली जाती है, अलग आता है, तो चाहत वहां से सोफे पर बैठ जाती है बगल में, ठीक है। और भाई साहब अब देखो, अब विवियन एक मिनट में बाहर आता है और वहां पर अच्छा तरह आकर कहता है कि विवियन भाई मुझे एक मिनट के लिए टॉयलेट जाना है, मुझे मतलब टॉयलेट यूज करना है एक मिनट के लिए। तो ठीक है, उसे विवियन भेज देता। अब विवियन रजत से कहता है कि देखो तुम्हें जाना है, ठीक है जाओ, लेकिन मेरे बिना मर्जी के तुम किसी को अंदर मत भेजना, ठीक है। ये कहकर राजत अंदर चला जाता है और विवियन वहां से बाथरूम से कहीं दूर चला जाता है, ठीक है। अब देखो होता यह है कि अब वहां पर चाहत होती है, अब चाहत को नेचर कॉल आ जाता है, तो चाहत वहां पर जोर जोर से कहने लगती है कि मुझे सुसु जाना है, मुझे सुसु जाना है, ठीक है, मतलब उसे जोर के आ रही होती है। तो वहां पर अब आ जाता है अजय दलाल, बाहर आता है तो कहता है कि राजत मुझे ना उसु जाना है। तो रजत कहता है कि पहले तो मना करता है, लेकिन भाई अब कोई किसी को उसे करने के लिए थोड़ी ना रोक सकता है, ये बिग बॉस ने किसी को पापा थोड़ी ना दिया है। तो वहाँ पर रजत अपने कॉमन सेंस का यूज़ करता है, कहता है कि ठीक है आप जाइए। यहाँ पर रजत बिल्कुल सही है, भाई साहब आप ही बताओ, अब कोई लेडीज़ को मतलब टॉयलेट जाना है, इमरजेंसी है, नेचुरल कॉल आ रहा है, तो कितने देर रोकेंगे, ठीक है। तो रजत उसको जाने देगा। अब भाई साहब ये बात सुनकर वहाँ पर आता है विवियन और विवियन भाग जाता है, कहता है कि तूने उसको अंदर क्यों जाने दिया, मैंने मना करा था ना कि मेरी बिना मर्जी के कोई बाथरूम यूज नहीं करेगा। अब इस बात को लेकर रजत और विवियन में दोबारा भिड़ जाती है। तो रजत कहता है कि मेरी बात सुनो, वो बाथरूम में नहानी नहीं गई है, वो बस उसे नेचर कॉल आया था तो वो एक मिनट के लिए टॉयलेट यूज़ करने गई है, और इसमें किसी घर वालों को इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन विवियन तो उसके जानी जानी दुश्मनी पड़ी हुई है चाहत पांडे से, पता नहीं उसके पीछे भाई साहब वो पड़ा ही रहता है। तो इस बीच को लेकर रजत और विवियन के बीच में काफ़ी बहस हो जाती है, और रजत यहाँ तक कि ये कह देता है कि मैं किसी के पापा का नौकर नहीं हूँ, मैं किसी के 100% बात नहीं मानने वाला। कहीं ना कहीं रजत भी अपनी जगह सही है, उसने क्या एकदम बिल्कुल ठीक किया। और भाई साहब यहाँ पर रजत ने विवियन की जो क्लास लगाई वो एकदम सही लगाई, जो उसको डांटा, जो झगड़ा वगड़ा हुआ, सभी घर वाले यहाँ पर रजत का ही साथ दे रहे थे, क्योंकि भाई साहब क्योंकि यहाँ पर विवियन ही गलत था। भाई साहब चाहत बिना मर्जी के नहाने तो नहीं गई थी, वो बस एक मिनट के लिए सुसु करने गई थी, और इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बता सकते हैं। वेल बाद में विवियन और रजत एक दूसरे से बहस करके बाद में एक दूसरे से सॉरी भी बोल देते हैं, एक दूसरे से सॉरी भी बोल लेते हैं और फिर बात को खत्म करते। यही नहीं दोस्तों, और सुनो जब सभी घर वाले यही नहीं दोस्तों अभी आगे सुनो, जब सभी घर वाले मिलकर मतलब टेबल डाइनिंग रूम पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तो वहाँ पर विवियन सभी को खाना परोस रहा होता है। तो वहाँ पर विवियन सभी को खाना परोस देता है, तो चाहत पांडे भी वहाँ पर बैठ कर खाना खा रही होती है। अब चाहत पांडे कहती है कि मुझे खाना दो, मतलब मुझे खाना और परसो। तो कहीं ना कहीं विवियन कहता है कि मुझे प्लीज़ बोलो, तो चाहत पांडे कहती है कि मैं आपको प्लीज़ क्यों बोलूँ, मैंने कोई गलती थोड़ी ना की है, मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट थोड़ी कर रही हूँ, मैंने तो आपको नॉर्मली कहा है कि मुझे खाना दो। तो वी इवन कहता है कि नहीं आप मुझे प्लीज़ बोले, अब हद है। अब उसमें चाहत पांडे की क्या गलती है, वो उसे प्लीज़ क्यों बोले, अभी विभिन्न जान मुझको उसके पीछे पड़ा ही रहता है। तो कहीं तो वी इवन कहता है कि जो आपका जो बोलने का तरीका था, मुझे लगा कि आप मुझे ऑर्डर दे रहे हो। तो चाहत पांडे कहते हैं कि इसमें तो आपकी दिक्कत है, आपकी प्रॉब्लम है, इसमें मेरी दिक्कत थोड़ी है, वो आपको लग रहा है, बट मैंने तो नॉर्मली बोला ना। तो सभी घर वाले कहीं चाहत पाने के साथ एग्री करते हैं, पता नहीं विवियन को चाहत पाने से क्या दुश्मनी है। तो दोस्तों ये लड़ाई तो अभी फिलहाल बिग बॉस में घमासान मचा हुआ है और लड़ाई लगातार चलती जा रही है। वेल दोस्तों अब हमारा जो अगला टास्क आता है वो आता है नॉमिनेशन का। जी हाँ दोस्तों, अब जो नॉमिनेशन का टास्क आता है वहाँ पर सभी घर वाले एक दूसरे को नॉमिनेशन करने लगते हैं, और वहाँ पर सभी घर वाले टोटल 10 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। तो आपको एक बार उन सभी कंटेस्टेंट के नाम बता देते हैं जिन्हें नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों इस बार टोटल 10 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट किया गया है, जिनमें से पहला नाम है मुस्कान, और जो हमारे दूसरे हैं बग्गा पाजी, अजय दलार, चाहत पांडे, एली कौशिक, अविनाश मिश्रा, हेमा शर्मा, करण, शिल्पा और श्रुतिका। हाँ, इन 10 कंटेस्टेंट को
नॉमिनेट किया गया है और वोटिंग लाइन खुल चुकी है। आप शुक्रवार सुबह 10 बजे तक अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करके उसे घर में लाने के लिए शेप कर सकते हैं। वेल दोस्तों, नॉमिनेशन तो हो गया और जो कल का एपिसोड था यहाँ पर खत्म हो गया था, लेकिन दोस्तों घर वालों के पास राशन बहुत ज्यादा कम है और कहीं ना कहीं एपिसोड में ये घर वाले आपस में बात करते हुए नजर आ रहे थे कि हमारे पास राशन बहुत कम है, हमें खाना नहीं मिल रहा, हमारा पेट नहीं भर रहा, तो हम बिग बॉस से राशन के लिए अनशन करने वाले हैं, मतलब भूख हड़ताल करने वाले या फिर मांग करने वाले हैं। तो आज के एपिसोड में ये डेफिनेटली दिखाया जाएगा कि जब सभी घर वाले मिलकर घर में राशन की मांग करेंगे बिग बॉस के लिए, तो बिग बॉस अब एक शर्त रखेंगे कि मैं आप लोगों को राशन तभी दूंगा कि जब आप किसी दो सदस्यों को जेल में जाने के लिए तैयार करेंगे। अब भाई साहब, अब सभी घर वाले, एक भाई साहब बिग बॉस भी सही है कि किसी घर वालों को दो सदस्यों को जेल में भेजो और राशन ले लो, ठीक है। तो बिग बॉस ये अपना फैसला सुना देते हैं, तो सभी घर वाले अब फैसला करते कि जब घर में किसको भेजे किसको भेजे। तो सबसे पहला नाम निकल के आता है अविनाश मिश्रा का, क्योंकि अविनाश मिश्रा आजकल कहीं ना कहीं जो घर वालों को काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे हैं, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं, उनका जो बोलने का टोन है वो घर वालों को पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा घर वाले कहते हुए आपस में बात करते हैं और उसको समझाते भी है, ठीक है। तो अविनाश मिश्रा का नाम आता है, तो भाई अविनाश मिश्रा कहता है कि कौन कौन मुझे जेल में जाने के लिए वोट करना चाहता है। तो अभी के सभी लगभग 10-15 लोग, 15 लोग जो 15 सदस्य है वो हाथ खड़ा कर देते हैं कि अविनाश को जेल में भेजो, ठीक है। तो सब अविनाश कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो सब उसे जेल में भेजना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अविनाश अड़क जाता है, बीच में बोलने लगता है और बिग बॉस भी बीच में बोल ही रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो आरफिन खान है, कहीं ना कहीं वो इस टाइम मान सकते कि लीडर की तरह, मतलब वो प्रॉपरली लीडर तो नहीं है लेकिन लीडर वाले उसको एक दो क्वालिटी मिली हुई है तो उसको निभा रहे हैं। तो आरसिंह खान कहते हैं कि अविनाश कीप क्वाइट। अब भाई साहब अविनाश मिश्रा और भड़क जाते हैं, तो अविनाश मिश्रा कहता है कि काहे का कीप क्वाइट, काहे का कीप, मैं चुप क्यों रहूँ, काहे का कीप क्वाइट, मुझे बोलने का हक है और मैं सबके सामने बोल सकता हूँ, मैं अकेले में बोलने का अधिकार रखता हूँ, ठीक है, मुझे कोई नहीं चुप रह सकता। भाई साहब आरसिंह खान और अविनाश मिश्रा को लेकर दोनों में आपस में बहस हो जाती है, फिर से बहस हो जाती है। तो आज के एपिसोड में आप सभी को दिखाया जाएगा। अब दोनों के बीच में जो बहस हो जाती है वो तो काफ़ी लंबा चलता है। अब अविनाश मिश्रा और आरफिन खान की बहस खत्म होती है तो वहीं बीच में हल्का सा करण बोल जाता है, तो अविनाश अब करण मेहरा से लड़ने लगता है, अब फिर इन करण और इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और करण को कहीं ना कहीं अविनाश मिश्रा ये टारगेट करते हुए कहता है कि तू ऐसा ही है, तू ऐसा ही है, तेरा नेचर मुझको पता चल गया है इसलिए तेरा नाम अभी तक नहीं बन पाया है। अब अविनाश मिश्रा को पर्सनली टारगेट करता है कि तेरा नाम नहीं बन पाया है, तू इतने शौकी है, तू जीत कह लेकिन तेरा नाम नहीं बन पाया है, अब उसको पर्सनली टारगेट करने लगता है। तो करण कहीं ना कहीं इन बातों को इग्नोर कर देता है। करण तो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर लगता ही है, मतलब शो में देखता है कि काफ़ी मेच्योरिटी से बात करता है और काफ़ी अच्छा भी खेल रहा है। लेकिन भाई साहब इवियन को ये बात हल्की सी बुरी लग जाती है, कहता है कि तू उसको पर्सनली टारगेट क्यों कर रहा है, तू उसको प्रोफेशन से लेकर टारगेट मत कर, ठीक है, जो बोलना है इस गेम को यहाँ बोलना है उसको पर्सनली टारगेट मत कर। तो अविनाश मिश्रा कहता है क्यों ना करूँ, मेरी मर्जी को लेकर भाई साहब बात और बढ़ जाती है। अब यहाँ पर करण की लड़ाई खत्म होती है और यहाँ पर विवियन और अविनाश मिश्रा की लड़ाई शुरू हो जाती है। ऐसे करते करते भाई साहब ये अविनाश मिश्रा सबसे एक एक करके लड़ने लगता है, सबसे बहस करने लगता है। भाई साहब सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि हाथापाई भी हो सकती थी। अभी देखो, अब अगली बार आती है चुम की। अब चुम ऐसे ही किसी को, वो मतलब अविनाश को तो कुछ नहीं बोलती लेकिन चुम किसी और कंडीशन को कुछ बोल रही होती है, तो अविनाश कहता है कि तू उसको क्या बोल रही है, जो बोलना है मेरे को बोल। अब चुम से भी अविनाश लड़ने लगता है, तो भाई साहब चुम भी अब शांत बैठने वालों में से नहीं है, वो भी अड़क जाती है और वो गुस्से में आके कहीं ना कहीं चुम अविनाश को तुम चल साले बोल देती, कहते हैं कि तू चल साले ऐसे बोल देती है। जो चुम है वो अविनाश मिश्रा को बोल देती है तू चल साले। अब साले मतलब गाली, एक गाली वर्ड हो गया, तो अविनाश मिश्रा कहता है कि तूने साला किसको बोला, तूने तेरी हिम्मत कैसे हुई साला बोलने की। अब भाई साहब इस बात को लेकर अभी जो दोनों अविनाश और ये चुम है आपस में भिड़ जाते हैं। अब कुछ घर वाले ही इसको रोकते हैं, कुछ घर वाले इसको रोकते हैं, लेकिन दोनों भाई साहब एक दूसरे से हाथापाई करने पे आ जाते हैं। लेकिन घर सिचुएशन इतनी भाई साहब इतनी रूल ब्रेक हो जाते हैं कि एक गाली गलौज हो जाती है और कहीं ना कहीं जो बिग बॉस का रूल है वो टूटने लगता है। तो यहाँ पर अब बिग बॉस आ जाते हैं और ये सारा मैटर
किसको लेकर स्टार्ट हुआ था, घर के राशन को लेकर, समझे, मतलब घर में राशन नहीं था तो बिग बॉस ने कहा था घर में जेल में दो सदस्यों को भेजो और इसी को लेकर यह झगड़ा स्टार्ट हुआ था कि जेल में कौन जाएगा। अब घर में कहीं ना कहीं मिसबिहेवियर हुआ है तो इस बात को लेकर बिग बॉस एक बैठक बुला लेते हैं और सभी घर वाले कहते हैं कि शादी गलती है अविनाश मिश्रा की कि अविनाश को जेल भेज दो या फिर इसे एलिमिनेट कर दो। तो भाई साहब अब एलिमिनेशन करने के लिए मतलब घर से बाहर भेजने के लिए जब वोटिंग होती है तो घर के 10 सदस्य जो है घर के 10 सदस्य अविनाश मिश्रा को घर से बाहर भेजने के लिए वोटिंग कर देते हैं, मतलब हाथ खड़ा कर देते, कहते हैं कि अविनाश मिश्रा को घर से बाहर भेजो। तो बिग बॉस अब सभी घर वालों की बात मान लेते हैं और अविनाश मिश्रा को कहते हैं कि अविनाश मिश्रा आप इस टाइम बिग बॉस के घर को छोड़कर जा रहे हो, आपको इस घर को अलविदा कहना पड़ेगा। और अविनाश मिश्रा प्रोमो में तो यही दिखाया गया है कि अविनाश मिश्रा को उस शो से एक्टिव घर से मतलब घर से बेघर करके वो गेट से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं जो घर है काफी सीक्रेट बना हुआ है और यहाँ पर कहीं ना कहीं अविनाश मिश्रा एक बार फिर से कमबैक करने वाले हैं। आप सभी को बता दूं कि जो प्रोमो में दिखाया गया है उसे अविनाश मिश्रा घर से बाहर गेट से बाहर तो गया है लेकिन वो प्रॉपरली घर से बाहर नहीं गया है। यहाँ पर जो जहाँ तक कि मेरे को लगता है जब बिग बॉस ने उसे अकेले में ये बना के ये बुला के ये पूछा होगा कि अगर आपको घर से बाहर जाना है या फिर आपको जेल में जाना है तो भाई अविनाश मिश्रा तो ऑब्वियसली गेम खेलने आया है और जीतने आया है। तो बिग बॉस से कहता है कि ठीक है बिग बॉस मैं आपको चांस देता हूँ, या तो आप एलिमिनेट हो जाओ या तो आप जेल में जाओ, लेकिन आपको घर में नॉर्मली नहीं रहना, आप जेल में रहकर राशन कंट्रोल कर सकते हो। तो अविनाश अब राशन कंट्रोल करने के लिए मान जाता है और जेल में जाने के लिए मान जाता है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में आप सभी को ये पता चल जाएगा कि जो अविनाश मिश्रा है वो एलिमिनेट तो नहीं हुआ है, मतलब घर से बाहर गया लेकिन एलिमिनेट नहीं हुआ है, वो उसे अब जेल में कैद कर दिया गया, वो जेल में है फिलहाल, वो जेल में कैद है और उसके पास राशन का कंट्रोल है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर बाजी पूरी पलट गई, जहाँ पर जिसे घर वालों ने उसे घर से बाहर जाने के लिए नॉमिनेट किया था एलिमिनेट किया था और उन्हीं घर वालों को अविनाश मिश्रा के सामने हाथ जोड़कर राशन मांगना पड़ेगा कि मुझे ये दे दो। अब तो आपने देखा बिग बॉस ने कैसी पूरी बाजी ही पलट दी। भाई साहब बिग बॉस भी कम तेज थोड़ी है, अब वो चाहते हैं कि इतने स्ट्रॉन्ग अब जो अविनाश मिश्रा है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कंट्रोवर्सी कर रहा है तो बिग बॉस उसे इतनी आसानी से घर से बाहर और ही ना जाने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। भाई साहब मैं कह रहा हूँ वो अभी इस टाइम जेल में है और उसके कंट्रोल में राशन आ गया और वो अपने इशारों पे अब सभी घर वालों को नचाने वाला है राशन के लिए। तो कहानी में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आ गया, सो बिग बॉस के 18 में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और मुझे तो अपडेट देने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। दोस्तों आप सभी के साथ पूरी अपने जो थॉट है शेयर करने में, आप भी हमारे साथ अपनी थॉट शेयर कर सकते हैं और हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। हमें कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अभी फिलहाल जो हमारे गुणरत्न सदा बढ़ते हैं वो टेम्पररी अपनी किसी कोर्ट के केस के सिलसिले में उसे बाहर हियरिंग थी उनकी, तो उनके लिए उनके बाहर जाना जरूरी था, बिग बॉस ने उसे बाहर जाने दिया। लेकिन बहुत जल्द अब जो हमारे कॉमेडियन है मस्त सबसे फेमस कंटेस्टेंट गुणरत्न सदावर्ते घर में भी कमबैक करने वाले हैं। तो दोस्तों ये था बिग बॉस का फुल अपडेट, आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और हाँ बिग बॉस कैसी अपडेट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।